हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। मैं हूं दानिश और आज आपके लिए लाया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि हर्ष राजपूत की वीडियो है, तो जिसका टाइटल है नशा मुक्ति। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि बहुत फनी मोमेंट्स होते हैं इनकी वीडियो में, जिसके लिए हमें इंतज़ार रहता है, बंदे को सस्पेंस रहता है, वही वीडियो देखें इनकी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर आने वाली वीडियो को बआसानी देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं काउंट डाउन के साथ, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, जो कि है विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र में जी, क्योंकि जो साला नशा होता है ना जी, एकदम नशा होता नशा है होता तो है। ये रमेश राजा यहाँ के जो मुक्ति केंद्र है, यहाँ पे एक अलग टेक्निक बनाया है इन लोगों ने, और यहाँ पे जो जो लोग नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जिस टाइप का भी नशा बेंचो करता है, उसको यहाँ पे इलाज के लिए लाया जाता है, और यहाँ पे अलग टेक्निक से उन लोग का यहाँ पे इलाज किया जाता है। क्योंकि जो नशा करता है ना, उस साथ खुद को नहीं अफेक्ट करता, अपने आसपास परिवार वालों को भी प्रभाव डालता है। तो लोग ये कोशिश में रहते हैं कि जो लोग हैं जो नशेड़ी है, उनको आम जीवन में ला के उनका जीवन सही बनाया जा सके। तो उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग मदद करते हैं नशेड़ियों को सही होने में। तो और सिर्फ हम लोग देखने भी नहीं आए अंडू गंडू की तरह, इधर आओ जी, हम लोग कमल भी लाए हैं यार। देखिए कमल, कमल ठीक है ना जी, देखिए कमल लाए हम लोग, ताकि लोग यहाँ पे पाटेंगे, क्योंकि बहुत ही जो ठंड है वो ठंड चल रही है। तो कंबल भी एक तरह से, कंबल भी वितरण का एक सोशल वर्क भी हो जाएगा धाकड़ न्यूज की तरफ से, और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट भी दिखा देंगे। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यही देखिए रमेश नशा मुक्ति केंद्र है जी। हेलो, यही नशा मुक्ति केंद्र है जी? जी, क्या नाम है आपका? भोलू भूषण सर। भोलू भूषण नाम है, यही है का जी रमेश राजा जी? सर, रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र, यही फाउंडर हैं आपके? जी, हमारे फाउंडर हुए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही है, इन व्यक्ति को दिखाइए, यही है वो महान आत्मा जो कि जिन्होंने यहाँ पे इतने जो भी नशेड़ी लोग हैं उनके लिए एक प्रयास किया है, जगह बनाया है, ताकि वहाँ आके वो ठीक हो सके और नशे से की आदत से उबर सके। तो ये डॉक्टर उक्टर थे काजी? जी नहीं सर, ये नशा वगैरह करते थे, फिर मर गए, तो फिर उनके बेटे ने सब खोला है। अच्छा, ये मतलब नशा करते थे, गंजेड़ी थे का? जी नहीं सर, बस वही सब समझ ले जी, कुछ कुछ करते थे। अच्छा, मैंने पान पान पर आगे सब खाता था ना ये, जैसा कि देख सकते हैं आप, देखने से ही लग रहा है बहनचोद महान आत्मा नहीं है, बहुत नशा उसा करता है, सब बहुत बुरा चीज है जी, सब हम देखते ही समझ गए थे उसका चक्कर। इधर से कुछ आवाज आ रहा है जी, इधर है ना, इधर रास्ता है, इधर से कुछ कौची हुआ है जी यहाँ पे? यहाँ पे इस्तेमाल किए ठीक हो जाएंगे, समय लगता है ना किसी काम को करने में। दिक्कत क्या है इसको, दिक्कत क्या है सर? ये गांजा पीते थे, गांजा पीते थे, हाँ ठीक है जी सर। हमारा ये काम है कि कड़वा टेक्निक से इनको ठीक करने का। अच्छा, ये कड़वा टेक्निक क्या है? जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, हम ऐसे नशा देकर नशे वालों को ठीक करते हैं। अच्छा, मतलब नशा ही नशा को ठीक करेगा। मैं यहाँ पर इसका गांजे का इलाज करवाने के लिए आया था, मैं ठीक करवाने के लिए आया था, और देखिए इसको क्या हुआ। आप देखिए, जैसे तो कड़वा टेक्निक है, कैसे ठीक होगा थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए परेशान ना है जी। देखिए सर, ये जैसे गांजा पीते थे हम, इनको कड़वी जैसे जितनी भी कड़वी दारू होगी वो पिलाएंगे। अच्छा, कड़वी जो दारू होगी कड़वाहट से इनकी जाएगी, इनकी नशा जो करते हैं गांजा लगाते हैं वो कड़वाहट से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसीलिए हमने कड़वा टेक्निक का इस्तेमाल किया इन पर। मैंने इनसे बताया कि समय लगेगा, टाइम लगता ही है ना। तो इस तरह का चीज काम करता है? बिल्कुल काम करता है। मैंने कहीं काम करता है ये? पहले गांजा पीता था और अब आपकी कड़वा टेक्निक से दारू भी पीना शुरू कर दिया इसने। अरे भाई जी, दारू भी पीने लगा जी? उधर मुंह देखो, तुम दारू भी पीने लगा जी? थोड़ा थाक पीते हैं ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पीता है। कौन बंचोदी बना दिया तुम कड़वा टेक्निक, बड़वा टेक्निक सर? सर पहले नहीं, चुप कराइए, मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत कोशिश की। टेक्निक है तुम्हारी, मैंने तो पहली बार नाम सुना कड़वा टेक्निक का। ये ठीक होगा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा, और मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत मरीज ठीक किया। देखिए आपको दिखाता हूँ, मतलब ये ठीक हो सकता है? ठीक होगा। देखिए थोड़ा टाइम टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा और ये ठीक हो जाएगा ना? जी जी होंगे। अगर ये ठीक ना हुआ तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं। अरे हम इसका गण फाड़ देंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए
तुम साला दारू नहीं पिएगा जी, नशा उसा मत करना, ठीक है? ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और धागा नहीं की तरफ इधर भेजो, इधर कंबल लेके इधर देखिए, धागा नहीं की तरफ इनको कंबल का दान किया गया है, कंबल ले दिया है ठीक है। अगर तुमको मिलेगा ना दारू वारू मिलेगा बढ़िया, और आप बताइए की कहा कड़वा टेक्निक से कहा ठीक हुआ है। ये देखिये से नो टू ड्रग्स रमेश राजा मुक्ति फाउंडेशन, यहाँ पे आइए, ये रूम है, ये देखिए यहाँ पे बड़ा अंधेरा है जी, लाइट ऑन करो, ये देखिए यहाँ पे ये हेलो क्या ठीक है चाचा? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। क्या इनको क्या हुआ था सर? ये चर्स लगाते हैं, चर्सी चर्स देखिए क्या हुआ चाचा, ठीक है? दर्द क्या कर रहा है? बाथरूम में गिर गए थे, बाथरूम में गिर गए थे, सात बार गिरे थे। तो सात बार गिरे महाराज, किसी को बुलाया कहा नहीं? कपड़ा नहीं पहने थे ना, कपड़ा सिलंगते चले गए थे, लुंगी खुल गया था, अब किसको बुलाते का करते, तो बड़ी मुश्किल से फिर आए बाहर, बाथरूम में गए, लुंगी खुल गया, गिर गए ना, तो भी कहा बुलाएगा, आएगा आदमी गाड़ उड़ देख लेगा आपका, मैंने बहुत बुरा काम है, लेकिन मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप लंगटे उंगटे जा रहे हैं उधर लुंगी पहन के, तो नहीं ऐसा मत कीजिए, लंगटे उंगटे मत रहिए, गाड़ मत दिखाई किसी को, कमल लगाओ बोला भाई जो, ये देखिए धाकर न्यूज की तरफ से आपको कंबल यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप अपना जो भी आपकी आगे की यात्रा है नशा मुक्ति की जो यात्रा है उसे आप ठीक से करें, ठीक है? और थोड़ा ध्यान रखिए, लंगटे मत जाइएगा बाथरूम उतरूम में जी। तो हम लोग अभी चलिए आगे चलते हैं, यहाँ लाइट उट ऑफ कर दी, दरवाजा बंद कर जी, इंजॉय करो जी, तो आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब दो मिनट, हम थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह कर लेते हैं, ताकि आप तो कमाइए रहे हैं तो हम ना कमाएं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, जो कि लोटस 365। एक वेबसाइट है www.lotus365, जहाँ पे आप जाके यहाँ पे प्रेडिक्शन करके आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम, जैसे क्रिकेट में कौन सा टीम जीतेगा या फुटबॉल में कौन सा टीम जीतेगा, इसका प्रेडिक्शन करके आप जीत सकते हैं। यहाँ पे 200 प्लस गेम्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो खेला जाने वाला गेम है रोटोले है, जहाँ पे आपको बॉल का प्रेडिक्शन करना होगा कि कौन से कलर पे जाएगा, कौन से नंबर पे जाएगा, ऑड या इवन पे जाएगा, और आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आप जीत सकते हैं लाखों रुपए। और यहाँ पे लोटस 365 एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट है, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, कीर्ति खरबंदा है, और इस तरह से, और यहाँ पे जो भी आप रकम जीतते हैं उसे आप अपने अकाउंट में 20 मिनट के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, और मेरे दिए हुए लिंक से आप जाके साइनअप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये का बोनस। तो जाके आप साइनअप कीजिए और डाउनलोड कीजिए लोटस 365 पे, खेलिए और प्रेडिक्शन कीजिए और जीतिए लाखों का इनाम। तो हो गया वो, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए जो पोस्टर हमारा नजर खींचा है, जो ना समझे पांडू है, जो नशा करे वो गांडू है, नशा एक चूतिया चीज है, नशा ना करे, मैंने इस तरह का पोस्टर लगा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि नशा ना करे ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट है, देख सकते हैं आगे जी, क्रिटिकल पेशेंट, यहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ पे लाइट ऑफ है जी, ऑन करे, ये देखिए यहाँ पे क्रिटिकल इनका। अच्छा अच्छा, इन्हें सात प्रकार के नशे थे, सात प्रकार के नशा करता था, इनका फेफड़ा खत्म हो गया था। अच्छा, फेफड़ा पूरा खत्म? जी सर, हमने उदबिलाव को इन पे फेफड़ा लगाया, उदबिलाव का, उदबिलाव का फेफड़ा लगाया, ये देखिए कितनी सांस ले रहे हैं, कृत्रिम सांस, मैंने मशीन से ही सांस ले रहा है ना जी, ओहो इस तरह का मशीन से इनको सांस दिया जा रहा है ना, ओहो तो इनको जैसे उदबिलाव का फेफड़ा लगा है तो पानी में भी सांस लेंगे का जी? कैसी नहीं नहीं ठीक है, तो मतलब इस सात तरह का, देखिए इस तरह का जो चीज है, सात तरह का यहाँ पे नशा किया जाता था, तो बहुत एकदम गाड़ों में कैंसर हो जाता है इसे करने से ना, तो इनका इलाज आप लोग कर रहे हैं मतलब ठीक हो जाएंगे जब तक मशीन से आप सांस इनको दे रहे हैं ना। ये देखिए बहुत यहाँ पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बढ़िया काम आप यहाँ पे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और दिखाइए हमें आगे क्या है आपका, आइए चलिए इसको बत्ती उत्ती बुझा देते हैं, इनका लाइट उट बंद करके चलिए, और कहाँ जाना है हमें? अच्छा अच्छा, ऊपर जाना है, आइए हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं कि इनका जो नशा मुक्ति केंद्र है किस तरह से काम करता है। हाँ आराम से आ रहे हैं, आओ जी कमल वो लेके ऊपर हूँ बांटना होगा। यहाँ पे आप धाका न्यूज पर लाइव देख रहे हैं कि हम लोग आप एक नशा मुक्ति केंद्र का आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या काम करता है। ये हॉल है जी, इसमें कोई नहीं है, ये रूम नंबर 4 है। आइए यहाँ पे, अंधेरा है बहुत ही, बत्ती उत्ती, हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, आइए इनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ अच्छा, ये ठीक हो गए हैं कहते थे जी, मच्छरदानी लगा ले हैं, ठीक हैं आप? ठीक है सर, ठीक है तबीयत, ठीक है तबीयत, कैसा चल रहा है नशा मुक्ति? ठीक ही चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, चल रहा, आप लोग चला दीजिए सर, ठीक है।
ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि देखिए बहुत सारा चीज है इस समाज में, ठीक है, लोग नशा छोड़ नहीं पाता, लेकिन हम आपके अपने इतना बढ़िया काम किया, इतना सम्मानित काम किया है नशा छोड़ के हैं, तो यहाँ पे हम आपको कंबल एक जो है इतना जो पतला चादर आप पहन के आपको कंबल देना चाह रहे हैं, जरा वो कंबल लेके। ठीक है सर। देखिए इस पतले चादर में क्या ठंड जाएगी? उधर कौन है जी? अरे भाई जो लड़की लेके बैठा है यही नशा मुक्ति केंद्र है जी, चिंता है साला लड़की लेके बैठा है, इस तरह की चीज देखने के बाद लगता है हम हो जाए बेटा, लेके नीचे जो मरीज हुआ था जी, जो जो लेटा था कहा हो गया जी, उसको सांस कहीं नहीं ले रहा, यहाँ पे जो मरीज को अभी हम लोग देख के गए थे वो सांस नहीं ले रहा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई है। अरे लाइट ऑन करो, क्या हुआ जी, दिखाइए इनको क्या हुआ, ये सांस कहीं नहीं ले रहा है, सांस नहीं, क्या हुआ, मशीन सब बंद है जी, ये इतने बटन ऑफ किया होगा, मशीन बंद है सब, मशीन कौन बंद किया, मदरचोद मशीन आपने बंद किया था, मैंने बंद किया था लास्ट टाइम, आइए चलिए इसको बत्ती उत्ती बुझा देते हैं, यार लेवल हो गया, ये स्विच है का मशीन का, यही स्विच है जी, चेटा साहब मर गया, मोबाइल का चार्जर है हमें बंद कर दिया जी, अरे नहीं उसको देखिए ना, उसको इलाज कीजिए, चलो जी, देखिए इस तरह की छोटी घटनाएं होती रहती है कभी कभी, और मशीन के चो तो लेके कमल भाग। तो गाइस बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत फनी वीडियो थी यार, लास्ट में जो उन्होंने वो एक फनी मोमेंट डाला ना, वो वाला बटन बंद करने वाला लेवल हो गया, आप भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.